सात महीनों में सात आतंकियों की हत्या, आतंकियों का पनाहगाह अब उनके लिए बना कब्रगाह। पाकिस्तान से लेकर कनाडा तक भारत के दुश्मन है परेशान, क्या रॉ के जासूस आतंकियों के लिए बन गए हैं काल। भारतीय एजेंसी के सूची में मोस्ट वांटेड के कॉलम में दर्ज एक नाम जो 13 नवंबर को आतंकियों के लिए सबसे महफूज पनागाह पाकिस्तान के कराची में आयोजित भारत विरोधी रैली में शामिल होने के लिए घर से निकलता है, लेकिन उस जलसे के स्थान तक पहुंच नहीं पाता है। जैश चीफ मसूद अजहर के करीबी मौलाना तारिक को कराची के सड़कों पर सरेआम भून दिया जाता है। कुछ देर बाद पुलिस बयान देती है कि अज्ञात लोगों ने मौलाना तारिक की हत्या कर दी। आखिर कौन है ये अज्ञात लोग जो भारत के दुश्मनों का काल बन गया है। पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों में पिछले सात महीनों में सात बड़े आतंकियों को मौत की नींद सुला दिया गया। पाकिस्तान से लेकर कनाडा में बैठे भारत और भारतीयता के दुश्मनों को मौत का डर सता रहा है। हालांकि इस डर की शुरुआत 6 मई को हुई, जब खालिस्तानी कमांडो फोर्स के सरगना परमजीत सिंह परमार की हत्या पाकिस्तान के लाहौर में कर दिया गया। 12 सितंबर को कराची में मौलाना रहमान को दिन दहाड़े दो बाइक सवार ने मौत के घाट उतार दिया। फिर कुछ ही दिनों बाद आतंकी हाफिज सईद के करीबी मुफ्ती कैसर को भी खुलेआम गोली मार दी गई। 10 अक्टूबर को जैश ए मोहम्मद के आतंकी और पठानकोट हमले के मास्टरमाइंड शाहिद लतीफ को जहन्नुम भेज दिया गया। इतना ही नहीं, अभी नवंबर के 15 दिन भी नहीं बीते हैं कि अब तक तीन बड़े आतंकियों ने धरती छोड़ दी है। कभी पाकिस्तान को अपना सेफ हाउस समझने वाले आतंकी आज सेफ हाउस में अंडरग्राउंड हो गए हैं। कुछ ऐसी ही स्थिति कनाडा में भी हो रखी है। कनाडा में निज्जर और सुखदूल सिंह जैसे खालिस्तानी आतंकियों की भी हत्या ने खालिस्तान बनाने वालों के रातों की नींद हराम कर दी है। निज्जर की हत्या के बाद कनाडा ने इसका कारण भारत और रॉ को बताया था, लेकिन इसका कोई साक्ष्य नहीं मिला। भारत ने हमेशा ही ऐसे आरोपों को बेबुनियाद बताया है, लेकिन एक सवाल जो सबके मन में कौंध रहा है कि आखिर इन हत्याओं को अंजाम कौन दे रहा है, तो इसका जवाब किसी के पास नहीं है। यहां तक कि इस सवाल का जवाब पाकिस्तान और कनाडा के पुलिस के पास भी नहीं है। हालांकि एक बात तो तय है कि इस पूरे प्रकरण के बाद भारत के दुश्मनों के मन में भय जरूर व्याप्त हो गया है।